एक साल तक सब गोपों के साथ रहे। इस रहस्य को दाऊद दादा को पता नहीं चला। भगवान जो लीला करते हैं, भगवान का ही स्वांश विग्रह दाऊद दादा है, लेकिन उस रहस्य को दाऊद दादा को भी पता नहीं चला। दाऊद दादा को तब पता चला कि एक दिन गिरिराज जी की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण गोचारण कर रहे थे, और गोचारण करते करते अचानक भगवान बंसीनाथ, और बंसीनाथ को सुनते ही जितने बछड़े से गैया आई और अपने बछड़े को लिपट गई और बछड़े को चाटने लगी, और जितने ग्वाले थे वो सब अपने अपने बच्चे से गए। दाऊद दादा का बहुत ही काम करी, ऐसा तुमने कभी देखा था? ये श्री कृष्ण का अवतार हुआ है सबके चित्त को आकर्षित करने के लिए। कृष्ण की तरह न गैया देख रही है न ग्वाले देख रहे हैं, ग्वाले अपने बच्चे से निपट गए, गैया अपने बछड़े से निपट गए, कृष्ण को अकेले चुपचाप खड़ा कि ब्रह्म। दाऊद दादा आप सोचने लगे क्या बात है, तो ध्यान देकर ऐसे देखते हैं कि जितने ग्वाले हैं छोटे से बच्चे वो सब कृष्ण ही, और जितने बछड़े हैं सब कृष्ण। ब्रह्मा जी कहे क्या मैं हमारा बुद्धि भ्रम हो गया है, कोई मायावी शक्ति हम पर चावी हो गया, आखिर है क्या है ब्रह्मा जी की हम भाव क्या है? तब समझ गए। इस किशोरी जी की भी, सीता जी भी जब रावण चुराने के लिए आया तो लक्ष्मण जी को बताए नहीं थे भगवान, प्रियालाल दोनों मीटिंग कर दिए, एक में एकांत में मीटिंग किए। भगवान राम सीता जी से कहे सुनो हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मीटिंग चल रहा है, लक्ष्मण भी नहीं जा रहे। एक बार राम भगवान राम सीता जी से कहे कि हम लोग जगत में किस लिए आए हैं, आप तो जानती हैं, हम ललित नर लीला करना चाहते हैं, कोई लीला करें। तो प्रिया जी पूछी कि क्या लीला करें, सीता जी पूछी क्या लीला करें, तो हम ललित लीला करें, उसमें आपको थोड़ा कष्ट सहन। तो पूछे कि क्या करें, तो भगवान कहे कि आप अग्नि में प्रवेश कर और नकली सीता छाया बना दो, और उस छाया सीता को रावण ले जाएगा और हम छोट छोट नाटक करेंगे। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब हो ही निशाचर नासा। इतना करने से निशाचर का नाश हो जाए। तो प्रिया जी सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली सीता, नकली सीता को रावण ले गया। ये आप लोग मत सोचिए कि असली सीता को रावण ले जाए, इसकी ताकत रावण के काम छू भी नहीं सकता, प्रिया जी के परछाई को भी रावण नहीं छू सकता है। तो नकली सीता को ले गए, नकली सीता को, इस रहस्य को भगवान इतना गुप्त रखे कि अपना भाई जो लक्ष्मण था उसको भी नहीं बताया। लक्ष्मण भी यह भेद न जाना, जो कछु चरित्र चा भगवान। वही देखिए भगवान के जो निजी, भगवान कृष्ण और बलराम अलग नहीं, राम और लक्ष्मण एक ही तत्व है, लेकिन उस रहस्य को लक्ष्मण जाने ना यहाँ पर बलराम जी जाने, इस भगवान की मधुर लीला को ये कोई नहीं जान सकता। तो इस तरह महाराज के भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो इसी गुप्त लीला रहस्य को भगवान पागल होकर के, इसीलिए जब रावण को मार करके सीता जी को लाए तो क्या किए, अग्नि में प्रवेश कराए थे ना। अग्नि ने कहा कि तू परीक्षा, झूठ को तू परीक्षा क्यों देना है, तुम को तो असली सीता को निकालना है। तो उसको कहा कि तुम परीक्षा, तुमको राक्षस छोड़ दिया है, तुझको हमको विश्वास नहीं, परीक्षा तो परीक्षा वरीक्षा नहीं लेना था, अग्नि से प्रिया जी को लेना था, प्रिया जी अग्नि में थी तो उनको लेकर के। उसी तरह पुराणों में ये भी कथा है, ये जो जावट में राधा रानी है तो ये छाया राधा पुराणों में है, क्योंकि आयन घोष की हिम्मत
कि प्रिया जी को ऐसे छोड़ रहे हो, जटिला को है तो परकिया भाव है ना, परकिया भाव है, परकिया भावे जहाँ व्रजित और प्रचार, प्रक्रिया रस का स्वादन करने के लिए भगवान के रस का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए कहे। इसीलिए महात्मा लोग जब जावट में प्रिया जी चली गई तो जितने संत महात्मा हैं वो यही कहते हैं कि अब हमको भी जावट गांव में रहेंगे। इस राधा रानी का जो रस प्राप्त करना चाहता है तो पुरुष शरीर से प्राप्त नहीं, राधा रानी की आराधना के लिए गोपी शरीर धारण करना। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखे हैं प्रार्थना में, हरि हरि आर की एवं दशा होवे, ऐसा प्रार्थना किए है ना कि आ हे प्रिया जी, हे किशोरी जी, क्या ऐसा हमारी दशा होगी कि कवे वृषभानु पूरे आहिरी गोपेर घरे तनया हरि बजरे। इस रस का यदि स्वादन करना है तो ये भाव है, इस शरीर से पुरुष शरीर से तो प्रिया जी की सेवा मिलेगी। तो प्रार्थना करते हैं कि कवे वृषभानुपुरे अहिर गोपेर घरे, हम वृषभानुपुर में अहिर के घर में जन्म लें, अहिर माने ग्वाल, जावटे अमार कवे। प्रिया जी का शादी कहाँ है, जावट में है ना, जावट गए ना आप सब लोग, गए हैं जावट में ना, अभी चले जाएंगे, जावट में जरूर जाना चाहिए। जावट है नंदगांव कोकिला बन के ठीक साहब, प्रिया जी को बुलाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर कोयल बन गए, कोयल दूर करके कोकिला बन गए, कोकिला बन के पास ही जावट का। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जावटे अमार कवे ए पाणी ग्रहण होवे, हमारा जन्म होगा वृषभानुपुर में अहिर के घर में और हमारी शादी कहाँ होगी, जावट, हमारा प्राण अब वसती करबो कविता। आज भी जावट गांव में गौड़ीय महात्मा लोग रहते हैं, भजन करते हैं, चूड़ी बिहारी मंदिर है, हम गए थे तो एक रूप मंजरी सखी मिली, एक महात्मा रूप मंजरी उसका नाम है, हम लोग गए थे तो चार महात्मा तो कहे कि हम आप लोगों को सुनाएंगे, तो कहे बहुत है तो सुना, तो गीत गोविंद सुनाएंगे बेटा। रूप मंजरी नाम था, तो ये कहते जावटे अमार कवे ए प्राणी ग्रहण होवे, हमारा कब जावट गांव में पाणी ग्रहण होगा, शादी होगा, आ बसती करीबो कविता है, अब कोई पूछेगा तुम्हारा कहाँ घर है तो जावट का, तुम्हारा मायके कहाँ है तो वर्षा का, तद्भाव भावित रख। असखी रो परम श्रेष्ठ जे हज तहार पृष्ठ, ललिता सखी की अनुगा बने, ललिता सखी के पास रहेंगे और उनके आदेश से रूप मंजरी रूप रो मंजरी की अनुगत बन करके पिया जी की सेवा करेंगे। एक बंगाली माता जी थी जावट गांव में, वो कहती थी कि आयन घोष के पास घटा घटा दूध, माने बंगला में होते थे हमको दादा ने, कहती खूब उसका घड़ा घड़ा दूध होता था लेकिन राधा रानी को एक छोटा पीने के लिए नहीं देती, और जितना घर का जो वस्त्र था वो वस्त्र को कहा कि तू जाओ साफ कर, तो वस्त्र लेकर के प्रिया जी अपना साफ करने के लिए जाती थी और प्यारे श्याम सुंदर भी सखी भेष में आकर कपड़ा साफ करते थे। जावट की लीला, प्रिया जी को बहुत कष्ट सहना पड़ा है, आप किसी को लड़की को ससुराल में कष्ट हो तो चिंता मत करना, हमारे प्रिया जी को भी कष्ट होगा, किशोरी जी को कितना कष्ट, सीता जी को कितना कष्ट हुआ अयोध्या में। एक महात्मा कहते थे कि उस समय अयोध्या इतना खतरनाक था तो अब कितना खतरनाक होगा, हमारे प्रिया जी को रहने नहीं दिया, वहाँ का धोबिया, धोबिया ही नहीं महाराज, मीटिंग चला अयोध्या में कि राम राजा रहने लायक नहीं,
राम इतना भ्रष्ट है तो समाज कितना भ्रष्ट। राम पर अंगुली उठाए, राक्षस के घर में रही और उसको फिर रख लिया। और देखिए एक बार नहीं तीन तीन बार परीक्षा हुआ था किशोरी जी का, तो भगवान कितना भारी कष्ट सह करके प्रिया जी। तो ये कष्ट कष्ट भजन माने क्या, प्रिया जी आई है कष्ट सहने के लिए। सखी रो परम प्रेष्ठ श्रेष्ठ ये हजत हार प्रेष्ठ सेवन करीब उतार पार। ललिता सखी के अनुगा श्री रूप मंजरी के साथ रह करके प्रिया जी की कब हम अनुगत होकर सेवा करें, ऐसी सेवा सफल है वह दशा। इस एक दशा हमारी कब सफल होगा, अब पूरी वो मनीर आशा, मन की आशा पूरी होगी। से भी दोहार दुअल चरण ऐसी अवसर प्राप्त हो जाए तो प्रिया लाल की मैं सेवा करती रहूं, इसके अतिरिक्त हमारी कोई चाह नहीं। हरी हरी आर की इमन दशा हो, हे हरी क्या मेरा ऐसा दशा होगा, ऐसी दशा होगी कि मैं इस शरीर को रहते हुए प्रिया जी की अनुगत बन करके हम उनकी सेवा करें। देह के बंधन से जब तक मुक्त नहीं कोई होगा तब तक महाराज प्रिया लाल के इस दिव्य सेवा में प्रवेश नहीं होगा। प्रिया जी की दिव्य सेवा में प्रवेश होने के लिए देह बंधन को काटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ता है। मरने का अर्थ यह नहीं कि शरीर छूट जाए, अरे शरीर रहते रहते ही मर जाए। अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, खास करके एक घंटा रोज मरने का अभ्यास करना प्रतिदिन। ऐसा यदि हम लोग अभ्यास करेंगे तो मरने में जो कष्ट हो गया कष्ट नहीं हो, मरने को कष्ट जानते हैं किसको होता है, जो आसक्तिवान व्यक्ति को कष्ट होता है। हमारा घर छूट जाएगा, बीवी छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, इसीलिए तो कष्ट होता है। नहीं तो मरने के लिए तो रोज रात्रि में लोग मर जाते हैं, शहर में तो सब मर जाता है, लेकिन उसमें कष्ट नहीं होता है क्योंकि सुबह फिर मिल जाएगा, इसलिए कोई कष्ट नहीं होता। अब मरने से दुख इसीलिए होता है, लोग सुनते हैं मरने के लिए मर जाऊंगा इसलिए दुख होता है कि हम लोग तो कभी मरे नहीं, आत्मा तो कभी मरा नहीं, और लोग कहते हैं तो मर जाएगा तो अरे हम मरेंगे कैसे, इसलिए मृत्यु का आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। जैसे सो जाते हैं और सोने के बाद चले गए वैसे मृत्यु की भी है, मृत्यु नाम की कोई चीज है तो ब्रह्म सर। मृत्यु का अर्थ होता है भूल गए, विस्मृति का नाम है मृत्यु, भूल गए। यदि कोई घर को भूल गया, अपने बीवी बच्चे को भूल गया, अपना स्वरूप संबंध जोड़ दिया भगवान के साथ, तो मर गया, उसका पुनर्जन्म। इसलिए कहा गया है भक्तमाल, कहा गया है जिसकी दीक्षा हो गई उसका पुनर्जन्म दूसरा जन्म, मर गया। तो जीवित रहते रहते मर गया, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर मर गए। आर हरी हरी आर की मन दशा होगी, ऐसी दशा क्या हमारी होगी कि शरीर रहते हुए हम सारे संबंध से सारा संसार से अपना संबंध तोड़ देंगे, हमारा नाता केवल एक के साथ रहेगा, नाता एक राम के मनियत सुनत सुसेव बेजान, बस एक ही नाता है और दूसरी कोई नाता, उम्र में संबंध छूट गए। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी की उस लीला में प्रवेश कर गए हैं जिस लीला को प्राप्त करने के लिए महापुरुष लोग ललायत रहते हैं, और ये तद्भाव मान उसका बार बार चिंतन करते 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 शरीर ये ढहेगा और उस लीला में प्रवेश करते हैं। इसलिए महात्मा लोग इतना गाढ़ चिंतन कर लेते हैं, इतना गाढ़ चिंतन कि मैं केवल एक ही संबंध, मैं प्रिया जी की, मैं प्रिया जी की दासी हूँ, मैं उन्हीं की सेविका हूँ, बस ऐसा चिंतन करते करते शरीर छूटता है और जहाँ चिंतन है वहां प्रवेश कर जाता है। इसलिए अधिकांश लोग मर करके फिर यही जन्म लेते हैं क्योंकि उनका चिंतन घर से रहता है, बीवी से रहता है, बच्चे से रहता है, मकान से रहता है, ईंट पत्थर से रहता है। हमारा मकान ये है बंधन है, ये कितना बड़ा दुखदायी। हमारा ये चैतन्य शरीर ये आत्मा इससे तो इसका कोई संबंध है नहीं, और इस पत्थर से कह रही है मेरा मकान, लोग लिख भी देते हैं मेरा, उस पर अपना नाम लिख,
तो इसका जितना जड़ भी तब ऐसे नहीं छूटेगा, इस शरीर को बार बार कहना पड़ेगा हम कृष्ण का रस दासो हम राघवेंद्र से अस अभिमान जाय मत भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान बस तवा तवा तवे वासमी तवे वासमी न जीवामी त्वया बिना, मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ, आपके बिना जीवित रह भी नहीं सकता हूँ, ऐसा बार बार चिंतन करके। इसीलिए राम सुखदास जी अपने गेट पर लिखे रहते थे, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये कहते थे ना मैं आपका हूँ, ये महामंत्र था उनका, आपका हूँ मैं आपका हूँ। इसी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हे प्रिया जी मैं केवल आपके, आपके अतिरिक्त मैं किसी का। तो यही भजन है, भजन का अर्थ होता है बस अपना चिंतन को बढ़ावे, चिंतन क्या मैं भगवान का, संसार से जितना संबंध है उनकी सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं, शरीर मिला है तो इस शरीर से केवल सेवा करनी, सेवा लेना नहीं, सेवा लेंगे तो बंधन पड़े। बीवी बच्चे मिल गए तो उनकी खूब सेवा कीजिए, खूब सेवा कीजिए, बाल बच्चे मिले हैं तो ये समझ करके हमारा है भगवान हमारे पास आए हैं इस रूप में आए हैं, ऐसे यदि करेंगे तो हम संसार से मुक्त हो गए। संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है, संसार की खूब सेवा की है, सेवा लिया नहीं। एक बार मीटिंग हुआ था संतों में कि वास्तव में ये आसक्ति जाएगी कैसे, तो आसक्ति बढ़ती है सेवा लेने से, सेवा करने से आसक्ति चली जाती है, बड़ा भारी मंत्र है। हम लोग क्यों फंसते हैं कि हमको उससे सुख मिलता है इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। उपनिषद का एक मंत्र है नवारे कामाय स्वजना प्रियो हो आत्मनस्तु कामाय स्वजना, कोई किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता है कि ये मेरा है, इसलिए प्रेम करता है उससे हमारा स्वार्थ सिद्धि होता है, स्वार्थ सिद्धि नहीं रहा तो उसे कोई मिलता है। तो इसीलिए संसार में किसी से स्वार्थ नहीं, सबकी सेवा कर, सेवा ले मत, बस भवसागर से पार होने का यही तरीका है। और अपने आप को केवल यही समझना तवई वासमी न जीवामि त्वया बिना, हे नाथ हे प्रिया जी मैं आपकी हूँ आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इसी का गाढ़ चिंतन करते 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 देहाध्यास छूट जाता है और देहाध्यास छूट करके अपने स्वरूप में मस्त हो जाता है। देखिए भक्त का स्वरूप है भगवान का दास, मैं दास। और सन्यासी लोग ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, मैं ही सब रूपों में व्याप्त हूँ, जब दो है ही नहीं तो आसक्ति किसे करें, आसक्ति दो में होती है तो दो वस्तु है ही नहीं। देखिए भक्त में और ज्ञानी में यही अंतर है, भक्त कहता है कि सारे जगत में केवल तू ही तू, जित देखो तू ही, ये सब कौन है, तो ये आदमी नहीं सब प्रभु हमारे, तू ही तू सब रूपों में तू ही तू। अब भक्त लोग ज्ञानी लोग कहता है मैं वहमें मैं तो, मेरे अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं। भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्, द्वितीया विनिवेश से ही तो भय होता है, फंसने का भय डरने का भय, जितना भय है ये भय का केवल दो है, तो दो है ही एक ही अमेव। एक महात्मा बना रहे हैं बिजो आनंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा हूँ मैं ढूंढता हूँ, मैं भैंस के रूप में क्या कर रहा हूँ, गधा के रूप में क्या कर रहा हूँ, मच्छर के रूप में ही तो हूँ, कहाँ कौन कैसा हूँ मैं ढूंढता हूँ। ज्ञान मार्ग न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर हो कि मैं ढूंढता हूँ। संसारिक लोग हमको मार करके दफनिया करके गाड़ दे, अब मैं फिर उसमें से निकल गया, महात्मा होने का अर्थ मैं मर गया फिर दोबारा जन्म ले लिया, खजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भवर हो के मैं गूंजता हूँ, मैं ही आत्मा रूप में सब गूंज रहा हूँ सबके रूप में। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में जित देखो तित श्याम में, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्पुर, सर्वत्र अपने प्रभु को देखना, चिट्ठी में खम्बाय बदनिम शरीरम महिम च, आकाश पर दृष्टि जाए तो यही भावना करे भगवान का शीर है, पताल में दृष्टि जाए तो सोचे भगवान का चरण है, पेड़ पौधों पर दृष्टि जाए तो सोचे भगवान की रुमावली है,
पहाड़ों पर दृष्टि जाए तो सोचे भगवान की हड्डी है, नदियों में दृष्टि जाए तो ये नस नाड़ियां हैं। सकल राममय जा, ये भवसागर से तपने का उपाय है। सर्वत्र अपने प्रभु की सत्ता, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं, इत देव बस यही। भागवत में भगवान कहते हैं जो माम, गीता में है ना जो माम पश्यति सर्वत्र, भागवत में है सर्वभूति सुजह पश्चित भगवत भावमात्मा, जो प्रत्येक प्राणियों में हमको देखता है उससे मैं दूर नहीं, उससे मैं दूर दोनों ही। तो ये दो साधना भक्ति मार्ग में तो केवल यही है। एक महात्मा कहते थे जिसको प्रणाम करने आ जाओ भोसागर से कहा, नाम और प्रणाम दो साधन, अपने शीर को हमेशा झुकाए रहे और मुंह से ठाकुर जी का नाम है, दो साधन है ना, मुंह से बोलना भगवान का नाम बस, सब जो आवे सबके चरण पर भी करना, ये दो साधन है। हमारे आचार्य लोग जितने हैं दैन्यता जत दैन्यम तत्कृपा हेतु नमास्तु मनो, हे नाथ आपको प्राप्त करने का संसार में बहुत साधन है लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधन है दीनता, जब दैन्यम तत्कृपा, ये दीनता नहीं आती। पैसे वालों का अहंकार रहता मैं पैसे वाला हूँ, किसी को अपने रूप का अहंकार होता है, किसी को जवानी का अहंकार होता है, किसी को धन का अहंकार होता है, साधुओं को भी अहंकार होता है मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूँ, ये भी अहंकार नरक में ले जाता है। तो भजन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, एक ही अहंकार काम लायक है बस, मैं प्रिया जी का, प्रिया जी कहाँ है तो सर्वचित्त देव सब सर्वत्र है, ऐसा अभिमान जाए ना, ये अभिमान है। इस प्रकार प्रिया जी की हम लोग यहाँ पर हैं, प्रिया जी की सेवा चल रही है, ललिता जी सखियां स्वर्ण वेदी पर प्रिया लाल को बैठा करके भोजन कराई, भोजन के बाद जल दी, जल के बाद पान दी और पान के बाद आरती, आरती माने दुख हरण कर, आरती का अर्थ यही हो, आरती आरती माने संस्कृत में होता है कष्ट, आरती करना माने दुख को हरण करना, ऐसे भगवान की आरती करे ऐसे कितने बार चरण में हृदय में मुख में फिर सर्वांग में आरती करना, और आरती करके क्या करते हैं सबको दिखाते हैं ना कि मैं लड़ाई होता है मैं भगवान का कष्ट लूंगा, लोग सोचते हैं आरती लेना माने कि ठाकुर जी का कष्ट मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, यही है भाव, यही है कि हमारे प्यारे लाल को प्रसन्न रहें, वो दिव्य आनंद में रहें, उनका जो अलाय बलाय मर जाए, यही आरती देने का ही। तो श्री कृष्ण प्रेयसी तुम हे देवी राधिके, देखिए आरती करते समय आनंदे ललिता सखी हैया प्रफुल्ल मुखी, प्रिया लाल को एक सिंहासन पर बैठा करके ललिता सखी प्रसन्न हो जाती, आह्लादित हो जाती, और निर्मंचन करीब तुम्हारी, निर्मचन माने आरती, कैसे आरती करेंगे तो सुगंध प्रदीप ज्वाली, सुगंधित दीप को जला करके अपर सकल आली महानंद है एक प्राण, सभी सखियां आरती में कोई घंटा बजाएगी, कोई शंख बजाएगी, कोई ठाकुर जी का नाम लेकर के नृत्य करेगी, गायको मंगल स्तुति गान, मंगल स्तुति गान करें, एक दासीर अभिलास हाथे लिया केस पास आरती करीब कोटि प्राण, किशोरी जी की सखियां अपने चोटी को लेकर के प्राण है ना और उसको निर्वंचन करती। कुछ कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि प्रिया जी को अपने केस पास को दिल दिखा करके सखी मंजरिया कृष्ण को याद दिलाती, कृष्ण काला और केस भी काला, माने कि विरह ना आरती करीब कोटि प्राण, तुआ प्रिय यही सेवा कबे बा अमार दिव किसु नहीं भाई इहा बिन, हे प्रिया जी इसके अतिरिक्त हमारे मन में कुछ इच्छा नहीं रहती है, मैं आपकी सेवा करूँ, आपकी करूँ, आपको अभिषार कराऊँ, आपको खिलाऊँ, आपको शयन कराऊँ, आपको प्रिया लाल से मिलन कराऊँ, रास नृत्य करें, बस यही इसके अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे पद्मा पद्मा पयोधरतटी परिरम्भलग्न काश्मीरमुद्रितमुरो मधुसूदनस्य व्यक्तानुरागमिव खेनदनङ्गखेर श्वेदाम्बुपूरमनुपूरयतु प्रियं वः। मिल गया आप लोगों को यह श्लोक? यह है तीसरा अष्टपदी गीत गोविंद, तृतीय अष्टपदी के पहले वाला श्लोक। मधुसूदनस्य मधुसूदनस्य पद्मा पयोधर तटी परिरम्भ लग्ना। ये जो ये श्याम सुंदर क्या करते हैं तो पद्मा पयोधर तटी परिरंभ लगना खेल दनंग खेद स्वेदांग मनु व्यक्तानुराग इव उरह जहुस्माकं प्रियम अनुपूरे। भगवान का ध्यान करना है। जो श्री कृष्ण का ध्यान है वो कैसा श्री कृष्ण है? मधुसूदन ब्रज का मधुसूदन कैसा है? गीत गोविंद में कहते हैं पद्मा पयोधर तटी परिरम्भ लग्न काश्मीर मुद्रित मुरो मधुसूदनस्य। प्रिया जी के साथ आलिंगन करते समय प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर प्रिया जी का अंगराग और प्रिया 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 प्रियतम को मिलने से जो पसीना छूटता है और प्रिया जी का अंगराग प्यारे श्याम सुंदर को उसका स्मरण करने से सारे संसार का मंगल जी अरे जयदेव जी करते ऐसा स्मरण। प्रिया जी श्याम सुंदर को अन्वेषण कर रही है, खोज रही है। अभी सावन का महीना चल रहा है, प्रिया जी का अन्वेषण, प्रिया जी श्याम सुंदर को खोज रहे, कहाँ खोज रहे? कल कल कथा में सुने थे खोज रहे। प्रिया जी आई श्याम सुंदर अंग गंध मिला, प्रिया जी खोजने के लिए चले कहाँ से अंग गंध आ रहा है। तो अंग गंध के समय ही आनंद में होकर के राधा जी के प्रति यह सरस वचन बोली और उनकी बात विलास का कहने लगे। एक दासी कह रही है ललित लवंग लता परिशेलन कोमल मलय समीर। प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग तीसरा अष्टपद। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर मधुकर निकर करंबित कोकिल पूजित कुंज कुटीर विहरति हरि सरसव संत निर्यति युवति जनेन मम सखि विरहि जनस्य दुरंते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित बिलावे अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलावे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मृगमत सौरभ नभ सब समवत बदल बनंगत माले युव जन हृदय विदारण मन से जनक रुचि किन सुख जाले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मदन महीपति कनक दंड रुचि केसर कुसुम विकासे मिलित श्री मुख पाट लिपट लखित स्मरण तून विलासे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विकलित लज्जित जब दब लोकन तरुण करुण कृत हासे कंतन कुंत मुखाकृत के तक दंतुरिताशे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 माधविका परिमल ललिते बन मारिक याति सुगंधौ मुनि मन साम विमोहन कारिणी तरुणा कारण बंधौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सुरदति मुक्त लता परिरम्भण मुगलित पुलकित जूते वृंदावन विपिने परिसर परिगत जमुना जल पूते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री जयदेव भनित मित मुदयति हरि चरण स्मृति